अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उनवान है कि आपकी मोहब्बत आपको मिल कर रहेगी, बस इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुजारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, ना जायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंट्रम टोना जादू सिप्ली ब्लैक मैजिक शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9696824150। इसके अलावा हमारा कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर नहीं है। अगर आप अमल सीखना चाहते हैं या अमल से आशनाई पैदा करना चाहते हैं तो हमारे क्लासेज ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी, उसमें शिरकत करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, आज का जो अमल है वो मोहब्बत का अमल है। अगर आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, अपने इश्क को पाना चाहते हैं, अपने प्यार को हमेशा अपना ही प्यार समझना चाहते हैं, कोई आपकी मोहब्बत तक तकसीम ना कर सके, आपकी मोहब्बत का बंटवारा ना हो, तो उसके लिए इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें। आपकी मोहब्बत 100% आप ही की होगी, बस इस तावीज़ का इस्तेमाल कर लें। करना क्या है, सबसे पहले तो बावजू हो जाएं, बेहतर रूब क़िबला बैठ जाएं, पाक साफ हो करके इस तावीज़ मुबारक को सफ़ेद कागज़ पे काली पेन से लिखें। पहले लिखेंगे का, फिर रे, फिर ये, फिर मीम, ये करीम या करीमों का ये नक्श मुबारक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे 87, फिर उसके बाद 94, फिर उसके बाद 89। इस तरीके से लिखें और तसव्वुर कर ले जिसके लिए लिख रहे हैं उसका और उसकी माँ का नाम जहन में ले लें। फिर उसके बाद इस तावीज़ मुबारक को लिखें। जब ये तावीज़ मुबारक मुकम्मल हो जाए तो ज़रा से इस पर अत्र लगाएं। फिर उसके बाद इस तावीज़ को फोल्ड करके या तो अपने पर्स में रख लें या फिर अपने जेब में रख लें या फिर जहाँ सोते हैं वहाँ रख लें। इंशाल्लाह जिसके लिए भी आप ये अमल अंजाम देंगे तो इंशाल्लाह वो आपके इश्क में गर्क हो जाएगा और आपकी मोहब्बत सिर्फ आपकी रहेगी, किसी और की कभी नहीं हो सकती। लेकिन याद रखें, जब ये तावीज़ मुबारक जब इस्तेमाल करें तो अपना हिसार कर लें, चारों कुल पे दम कर, चारों कुल शरीफ और अतुल कुर्सी शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें। और बेहतर यह है कि अपना और जिसके लिए कर रहे हैं उसके नाम का अदद निकाल लें। फिर उसके बाद इस तावीज़ मुबारक को लिख कर पीछे जो है उनका अदद सिर्फ लिख लें, नाम ना लिखें, सिर्फ अदद लिख दें, तब भी ये बहुत तेज़ असर करेगा। वैसे भी करेगा लेकिन अगर अदद लिख दें उनके और अपने नाम का तो बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ असर करने वाला अमल हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया में पहुँचती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।